मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आई होप सो अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? आई होप सो अच्छे होंगे। आज उल्टा बोल लिया कोई बात नहीं, चलता है, समझ जाते हो, फीलिंग को समझ जाते हैं मेरी, पता है। मैं 6 साल से समझ रहा हूँ। तो गाइस, अब अभी सुबह हो गई है, तो अब जा रही हूँ मैं नहाने। क्या कह रहे, 12 से ऊपर हो गया, करीब सुबह हो गई। इसमें क्या टाइम पता चल रहा है? सॉरी। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ नहाने, इन्हें खाना खाने दो, मैं नहाए बिना कुछ नहीं खाती हूँ। सो आज क्या है, बाबू के लिए खाना पड़ता है, अगर लेट हो जाते तो बाबू के लिए खाना पड़ता है, ठीक है? आप लोग समझ सकते हो ना, बाबू को ज्यादा देर भूखा नहीं रख सकते, इसलिए बाबू के लिए खाना पड़ता है हमें। सो चलते हैं नहाने, और आज दिखाती हूँ कि आज मैं आपको क्या ड्रेस पहनने वाली हूँ, उस पर रील्स बनाऊंगी। चलते हैं, चलो नहाने। नहीं, आप मत, चलते हैं नहाने। मैं बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ, आप मत चलो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो दिखाती हूँ ड्रेस आपको। मैं ये रेड कलर की साड़ी पहनूंगी, ये रेड कलर का ब्लाउज है, इसकी सिंपल सी बनी हुई साड़ी है, और ये इसके अंदर कोटी है। तो आपको मैं पहन के दिखाऊंगी कैसा लगता है लुक, ठीक है? तो गाइज, फाइनली मैं नहा चुकी हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई, तो आपको मैं पूरा लुक दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक है? कैसे हो जाना? बहुत अच्छी। जहर? कतई जहर। तो गाइज, मैं वीडियो बना के आ गई हूँ, मैं इतनी ज्यादा गर्मी लग रही, तो मैंने जल्दी जल्दी कोटी वगैरह सब उतारी और बाल भी बांध लिए। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है सच्ची में। सब लोग अपने घर पे ही रहना प्लीज़, बाहर ज़्यादा मत निकलना, बहुत ज़्यादा गर्मी के तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो। गाइस, बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि स्वाति जी, आप ये बताइए कि आप और अंकुश जी कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे, आपकी लव स्टोरी क्या है, ये सब। सो पहले भी हम बता चुके हैं, पर हम जो नहीं, जिन्होंने देखा पहले, उनके लिए मैं फिर से ये वीडियो बना देती हूँ। सो आज हम बताएंगे अपनी लव स्टोरी। जाना वो दिन याद मत दिलाओ, करना है फिर क्यों? वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता, इसलिए। हाँ, तो चलते हैं अभी लव स्टोरी बताएं। हाँ, आ जाओ, चलो बताते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, है अपनी लव स्टोरी। यस बाबू, बताओ। वो दिन याद मत करवाओ। अरे करो ना, हम नहीं, बताओ। क्या तुम बताओ, तुम्हारा ब्लॉग है? अरे तो तुम... आपको याद होगा ना? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, मैं भूल गया। वो दिन मैं कभी याद नहीं करना चाहता। कब मिले थे हम? बता दो ना। हाँ, हम मिले थे। हाँ, आज कितनी तारीख है? 19 अप्रैल 16 अप्रैल 2017 को। बता रही हूँ यार, ये 6 साल हो गए, कांड हो जाता बयाल। 16 अप्रैल 2017 को हम पहली बार मिले थे, मेरे मौसी जी के, मेरी कजन की सिस्टर, इनकी चाची, कजन सिस्टर की शादी थी। हाँ, मेरे हिंदी में बोलो ऐसे, नहीं कजन तो मेरे भी थे, मेरे मौसा जी हैं, उनके लड़के की शादी थी। हाँ, तो मेरी चाची की लड़की की शादी थी। हाँ, तो हम वहीं पे मिले थे, और मुझे सच में नहीं पता था कि इनके, मैंने सोचा कोई पड़ोसी उड़ोसी होंगे, ये खाना खाने आए होंगे। मैंने यही सोचा था, मुझे क्या पता था जिस घर में मैं खाना खा रहा हूँ वही थाली मेरे हाथ में आने वाली। पहली बार आपने मुझे डीजे पे देखा था ना, डांस कर रही थी, डांस कर रही थी, लाल कपड़े पहन रखे थे, लाल सूट, लाल लहंगा पहन रखा था, और हम तो भैया 2-4 पैक ज्यादा मार लिए थे। मैंने कहा अब हम करेंगे, अब लड़के वाले हैं। जैसे ही मैं पहुंचा, मैं सबसे ज्यादा फैमिली में सबसे ज्यादा लोग मेरे को प्यार करते हैं शायद, तो कभी भी शादी वगैरह होती है तो सबसे पहले डांस करेगा तो अंकुश करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। और जैसी बस रुकी, मैं भागा भागा गया डीजे पर, देखा कोई लड़की नाच रही है, मैं कहा हट और मैं जाके डांस कर रही, ये भाग के ऐसे छुप गई। मैं भाग के नहीं छुपी, ये तो मेरे से भी अच्छा। नहीं नहीं नहीं, भाग के नहीं छुपी, छुपी एक्चुअली मैं इसलिए हट गई कि एक होता ना कि लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले आ रहे, मैंने कहा चलो अब मैं तो कर ही रही थी, अब इनको भी दे दो मौका, क्या है वैसे 10 बजे डीजे बंद हो जाएगा। तो बहाने मत मारो, 12 बजे आए थे हम लोग। एक फनी इंसिडेंट बताऊं, सच्ची मैंने पहली बार इनको देखा था ना, मुझे ये लड़की लगे थे। सच्ची है, मैंने कहा यार ये लड़की का ड्रेस, मुझे ना पहले जीन्स और पैंट पहनने में बड़ा शौक था, मैं कह रही लड़की का ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, लड़की मतलब एकदम अच्छी लग रही है।
मुझे ये पता था ये लड़का है। और तुम्हारे वो रिलेशन में किसने क्या बोला था, ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ, वही बताओ, हाँ, बताओ, हाँ, बताओ। मतलब मैं डांस करके पहली बार में ही किसी ने बोल दिया था तो तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? भाभी ने बोला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं, मैं तो जानती भी नहीं इसे, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर आपने पता ना मम्मी ने क्या बोला था आपसे? मम्मी को पसंद आई थी कि एक लड़की है डीजे पे डांस कर रही, बहुत अच्छा डांस करती है, तुम भी जाओ नाचो उसके साथ। मैंने कहा अच्छा, तो पापा कह रहे एक लड़की हमें पसंद आई है। मैंने कहा अच्छा, और लाल कपड़े पहने डांस कर रही थी डीजे पे, इसे पटा के दिखाओ तुम। माने मैंने कहा अच्छा पापा, ये लो आए गई घर पे 8 लाख। आप तो 8 लाख क्यों बोल रहे हो? शादी में खर्चा किया ना। फिर उसके बाद ये रात भर सभी लोग चले गए थे, सब लोग चले गए थे, लेकिन मैंने कहा था नहीं मैं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि जहाँ मैंने दाना डाला है मैं इंतजार करूंगा चिड़िया आएगी दाना उठाने या नहीं। तो ये रात भर ऐसी रात भर गोली खिलाता रहा नैनो से। और मैं अपने भाई के साथ खेली, मैं बच्ची थी ना, मुझे नहीं पता था ये सब क्या होता है। नहीं ओह, मुझे नहीं पता था, 10th क्लास में थी। आज तो ऐसे अपने भाई के साथ वो खेल रही थी चिड़िया वो। अब मेरे को देख देख के तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हुई थी। और जब विदाई का टाइम आया तो उस टाइम पे मेरे को बहुत शर्म आती थी लड़कियों को नंबर देने में। मैंने आज तक कभी ऐसा कांड किया ही नहीं। मैंने कहा चलो इस बात दे देते हैं। अब मेरी हिम्मत ना हुई देने में। मैंने कहा पता लगे मैं पर्ची देने जाऊं और मेरे यहाँ रैप्टे लगने शुरू हो जाए। मैं रोऊं बहुत क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी। मन में ये होता ना अगर पिटना शुरू कर दिया तो फैमिली वाले भी कहेंगे ले यही करने आते हो, अगली बार तो बुलाएंगे नहीं। वैसे मैं बहुत इज्जतदार आदमी। तो उसके बाद स्वाति के सामने मैंने ऐसा पर्ची गिर दी। ऐसे नहीं, मतलब मेरे पापा की भी उस टाइम तबीयत खराब हो गई थी और रात भर जगी थी, तो मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी, घर ले जाना था। तो आप पापा के पास ही खड़े थे ना कि मैं चला जाऊँ छोड़ाऊँ? मेरे को बाइक चलानी आती थी, मैं चौड़े में खड़ा। हाँ। कि पापा इन स्वाति के पापा की तबीयत खराब थी तो मैं कह रहा हूँ कोई मेरे को बोले कि इनको छोड़ाओ घर पे तो पापा पीछे बैठेंगे और ये भी बैठेंगी पीछे, पापा घर पे छोड़ के आ जाऊंगा इनको साथ में मैं लेके आऊंगा। किसी ने बोला ही नहीं। तो उस टाइम भी ये मतलब मेरे को नंबर देने की कोशिश कर रहे थे पर मेरे चाचा जैसे बारे में नहीं 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 नहीं। मैं मन में ही सोची थी कहीं ये कुछ करना दे, कहीं ये नंबर ना दे दे, चाचा तो मेरी बाट लगाए। पर नहीं, ऐसा नहीं किया आपने। और पर एक सच्ची बताऊं तो फिर विदाई होने के बाद ना इनके हाथ में पर्ची थी, मुझे मैंने भी देख लिया था है पर्ची थी, पर ये चले गए। अब मैंने ये देखा था कि इन्होंने पर्ची फेंकी थी ऐसे ऐसे इसको देख के। हाँ, कार में बैठने से पहले इन्होंने पर्ची फेंकी थी। फिर मैं जब मैं घर पे जाने वाली थी, मैं सच्ची बताऊं मैं ढूंढ रही थी। ऐसे नहीं ढूंढा था मैंने, बस ऐसे ऐसे करके देख रही थी, पर मेरे को नहीं मिली पर्ची, नहीं मिली। अफसोस। उसके बाद हम घर पे गए, बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार बताओ, वही बात है, फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली, बस अवार्ड लेना भूल गए, अवार्ड नहीं ले पाए, तो ऐसा दुख हो रहा था बहुत। घर जाते समय बस ये हो रहा था एक बार फिर चला जाऊं गार्डन में, मिल के आ जाऊं। हाय हाय, कितना बुरा दिन था वो। उसके बाद जब हम घर पे गए तो मेरे भाई की शादी थी, मैंने आपको बताया, मौसी की लड़की की। तो जो भाभी थी इनके चाची की लड़की, तो मैंने भाभी से बोला, मैंने कहा बोलते ना ऐसे कि बता दे, तो मैंने कहा भाभी लड़की पसंद आई है। भाभी ने कहा कौन है? मैंने दिखा दी इनकी फोटो, ये स्टेज पे गई हुई थी, मैंने चिपके से फोटो खींच ली थी, मैंने दिखा दी फोटो। भाभी कह रही अच्छा जे, इसको बहुत शौक है हीरोइन बनने का। मैंने कहा अच्छा, उस टाइम मैं मुंबई से आया हुआ था तो चौड़े में था मुंबई में। हाँ देखा, हम लोग पता है बहुत तो ही मेरी एक्टरों के साथ कई सारी फोटो थी, तो मैं वहाँ पे अपने वो टसन मार रहा था, देखो एक्टर हूँ मैं, देखो देखो। तो वो भाभी भी इम्प्रेस हो गई, अच्छा और इसको भी लड़की को भी शौक है एक्टर बनने का, एक्ट्रेस बनने का, तो जोड़ी अच्छी रहेगी। तो मैंने कहा उसका नंबर दे दो, तो भाभी ने ये बोला कि मैं उसका नंबर नहीं दूंगी, तुम अपना नंबर दे दो, मैं जब उसके पास जाऊंगी पग फेरे में तब बात कराऊंगी। तो मैं ऐसा आया यार, ऐसा कभी होता नहीं है, कोई नहीं करा था बात, लेकिन फिर भी दिल ने बोला नंबर लिख के दे दो, तो मैंने नंबर लिख के दे दिया। उसके बाद मैं घर पे आया अपने सोनीपत में, मेरे को स्टोन हो गया था, तो ऑपरेशन भी हुआ था यहाँ पे स्टेज है, तो ऑपरेशन हुआ, 2-3 दिन हो गए कॉल नहीं आया, डेली फोन ऐसे पकड़ के बैठता था, अब कॉल आया। फिर उसके बाद दीदी पद फिर घर पे आई, तब मेरे एक कजन ब्रदर की भी शादी थी उसी टाइम पे। सो उन्होंने मुझे बोला कि स्वाति तुम्हें शादी में कोई लड़का देख रहा था? मेरा सीधा दिमाग वही पहुंचा। मैंने कहा नहीं तो, मैंने क्यों? अब दीदी के सामने देखा, हाँ दीदी देख रहा था। मैंने कहा नहीं तो क्यों? कह रहे नहीं कोई लड़का है, उसको मतलब वो बम्बई वगैरह होके आया है और एक्टर के साथ
है, उसके यहाँ टैटू बना है, मतलब पता नहीं क्या। मैंने टैटू मैंने इतना थोड़ा गौर से देखा है। कह रही उससे बात कर लो, तुम बात करोगी? मैंने कहा कराओ। मेरे मन में लड्डू फूटे, कराओ। मैं फिर दीदी ने अपने फोन से बात कराई, मैंने कहा हेलो। मैं भागे भागे गया भैया, अंदर कमरे में था, भागे भागे। उस टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ पड़ा था जैसे मैंने बताया, तो सौरभ भैया और सुल्तान मेरा गुड़गांव का फ्रेंड था, वो मिलने आए हुए थे, उनके पास गया सीधा जाके मैंने बताया भाई फोन आ गया, इतने दिन से इंतजार कर रहा था। और बस जैसे फिर उस दिन हमारी बात हुई, रात भर बात हुई, सुबह 6 बजे जाके फोन कटा और उसके अगले दिन मैंने इन्हें ब्लॉक कर दिया। अगले दिन ब्लॉक बताओ ना क्यों किया? क्योंकि अभी मिले हुए एक ही दिन हुआ, हमने बात की बेशक, उसी दिन आई लव यू बोल दिया था स्वाति ने मेरे को। मैंने रहने दिन ने फोन में इतनी तारीफ की, मेरी इतनी तारीफ की, तारीफ करने के बाद से कहता कि पहाड़ में मत चढ़ना, करनी पड़ती है, कह रहा पहाड़ में मत चढ़ना है। फिर उसके बाद सच्ची बोलूं, मैं सीरियसली आज भी बोल रही हूँ, मैं आज ही बोल रही हूँ, मैंने वो नहीं बोला था। दीदी के फोन से किसी ने मैसेज कर दिया था, किसने? मैंने नहीं किया, किसने भी किया, भाभी भी मना कर रही थी, मैंने नहीं किया कि हरामी, इनने मेरे को पहली बार में बोल दिया हरामी हो तुम। मेरा दिमाग खटका, मैंने कहा यार अच्छा, इतनी गर्लफ्रेंड थी मेरी, आज तक किसी ने मेरे को हरामी नहीं बोला, इसने एक ही दिन में हरामी बोल दिया। मैंने मारा, मैंने कहा बक सीधा ब्लॉक, जाओ कोई जरूरत नहीं। और मैं वो 2 दिन की बातचीत के बाद भी इतना रोई बहुत ज्यादा, मैं कहा यार बंदे दूसरे नंबर से कॉल कर रही, मैंने नहीं किया दूसरे नंबर से, आपने अनब्लॉक कर दिया था, इतना ही मेरे को भी नहीं है, ठीक है। तो फिर जब मेरी इनसे बात होने, फिर मैंने 2 दिन के अंदर एक बात बताओ, आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपको ऐसे बोल देगा ना? अब बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लेकिन उस टाइम यार मैंने नहीं, किसने मैं बोला? भाभी मना कर रही थी, मुझे नहीं पता, पर मैं अभी भी कह रही मैंने नहीं बोला, ये मान ले 5-6 साल। घर में कितने लोग थे ये बताओ? शादी का टाइम था, मैं कह रही मेरे भाई की भी शादी थी। ऐसे कोई लड़का भेज देगा सच्ची में तो भेजा, तो लड़की नहीं होगा, मुझे नहीं पता। तुम्हारी भाभी का फोन था वो? मेरी दीदी का था। हाँ तो दीदी, हाँ तुम्हारी दीदी मेरी भाभी, हाँ तो वो फोन किस किस के पास रह सकता है जो ऐसे बोलेगा? तो मुझे नहीं पता यार, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो शादी हो गया तो मैं 6 साल से कह रही हूँ बाबू, मुझे नहीं पता, पर विश्वास नहीं करता ये बंदा। फिर उसके बाद 2 दिन ही, 2 दिन के बाद किसी ने भेजा था ये पता है? हाँ किसी ने भेजा हुआ, बस मैंने 2 दिन के, 2 दिन के बाद मैंने मम्मी को बता दिया था, मम्मी ये लड़का है, ये भी सक्सेना है, ब्लॉक मार रखा और नहीं बात हो जाती, और ये देखो एज ए फ्रेंड हम बात कर सकते हैं क्या? मैंने ऐसे बोला मम्मी, सबकी मम्मी सबकी ना फ्रेंड होती है, तो क्या तुम भी मेरी फ्रेंड बनोगी, हम मतलब बात शेयर कर सकते हैं। मम्मी मम्मी के मन में कुलकुली उठी, मम्मी कह जाने का बात कहनी चाह रही, हाँ हम तुम्हारी फ्रेंड है बताओ। फिर मैंने बोल दिया मम्मी एज ए फ्रेंड, ये मतलब फ्रेंड है और मतलब लड़का अच्छा है, देखो में है, मम्मी है। मम्मी मेरा फोटो दिलाए उनके, हाँ ठीक है, मम्मी ने ठीक बोल दिया। पापा को भी मैंने उसी दिन बता दिया था, मैं कमाता था 9,000, मैंने बताया 40,000 कमाता हूँ। झूठ भाई है ना, मम्मी पापा भी, हमारा स्टार्टिंग में झगड़ा भी हो चुका, झूठ भी स्टार्टिंग से हुई। इतने बोले मैंने, इतने बोले स्वाति ने भी बोले, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं बोला, मैं गिनवा दूंगा, मैं क्या झूठ बोला, मैंने सबके सामने गिनवा दूंगा, गिनवा मैंने झूठ क्या बोला, रहने दो तुम, मैंने एक भी झूठ नहीं बोले। खत्म होने के बाद रोना धोना शुरू हो जाएगा, रहने दो नहीं तो मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, इन्होंने काफी झूठ बोले, बहुत झूठ बोले। हाँ मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोली, झूठी स्टार्टिंग से की है। तो पापा को मैंने बता दिया, पापा देखो ये लड़का ही सक्सेना है और दीदी की तरफ से मतलब ऐसा ऐसा है। पापा ने भी उस टाइम कुछ नहीं बोला, हाँ मतलब कर लिया। तो मैंने मम्मी को भी बता दिया था, पापा को भी बता दिया था कि पापा ये दीदी के रिलेशन में और ये सक्सेना है और स्मार्ट है, हैंडसम है, फोटो भी दिखा दी थी चार्मिंग पापा है। ने भी ठीक है उस टाइम, अभी थोड़ी सी दाढ़ी आई हुई है वो अलग बात है। फिर उसके बाद हमारी ऐसी बात होने लगी, फिर हम लोग सबसे पहले जो हम लोग मिले थे एक महीने बाद 16 अप्रैल को हम पहली बार मिले थे, 16 मई को मैं इनसे मिलने गया। हाँ 16 मई ये अपनी कोचिंग बंक करके आई थी, इंग्लिश की कोचिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करती थी ये, तभी मेरी इंग्लिश वीक है, आपके वजह से वीक होगी मेरी, एक दिन क्लास बंक करने से और क्या। कितने महीने का कोर्स था? 3 महीने का कोर्स अगर आप लोग कर रहे हैं तो एक भी दिन बंक मत कीजिए, नहीं तो ऐसी इंग्लिश निकलेगी। तो उस दिन हम गए थे इटावा के नीलकंठ मंदिर में मिलने, उसकी फोटो ये वाली है। और पता है नीलकंठ मंदिर में ऐसा होता है कि मेरे हमारे यहाँ ज्यादातर लोग जो लड़का लड़की दिखते हैं ना, ज्यादातर लोग वहीं दिखते हैं, उनकी शादी फाइनल हो जाती है 100%। मेरे भैया भाभी भी जो पहली बार मिले थे नीलकंठ में मिले थे, और हम लोग भी सबसे पहले नीलकंठ मंदिर में ही मिले, इसलिए हम लोग अभी साथ में है ना।
सो ये मेरे लिए लेके आए थे 50 या 20 रुपए की चॉकलेट। हाँ 100 रुपए की खरीदी थी जिंदगी में पहली बार, 50 रुपए की चॉकलेट। और पता है बंदा इतने गंदे कपड़े पहन के आया था, इतने गंदे कपड़े, वो ब्लैक पहने व्हाइट व्हाइट पसीने के वो नहीं आ जाते वो यार मैंने 16 मिनट 16 मई का टाइम, गर्मी कतई जहर गर्मी। उसके बाद मैं सफेद शर्ट, वही अपना ऑफिस वाला सफेद शर्ट नहीं थी वो, रेड एंड व्हाइट वो लाइनदार शर्ट थी। हाँ, नहीं, पिंक लगी थी, पिंक लगी। अरे लाइनदार वो है, हाँ, फोटो देखी है ना, हाँ, रेड और पिंक और व्हाइट थी। हाँ, पैंट थी ब्लैक ऑफिस वाली, मैं ऑफिस में काम करता था। अब ब्लैक पैंट पसीने से इतनी वो सफेद हो गई थी, पूरे नमक ही नमक लगा रहा, अगर ऐसा करके चाट लो ना तो सब्जी। और अपने मामा के घर से ये पैदल आए थे, मैंने कहा ऑटो तो कर लेते, मैं इतनी देर से पहली बार किसी लड़की से मिल रहा हूँ, उसको इतनी देर वेट करवा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये तो मुझे पैदल लेके जा रहे थे नीलकंठ मंदिर, तो मैं नहीं मैं देती हूँ कि पैसे आप ऑटो करो। क्या रेट है, नहीं तो बस उस दिन पहली बार मिले। हाँ मेरे, उसके बाद हम मिले थे कब तुम बताओ, मैं याद नहीं है, तुम बताओ। उसके बाद हम मिले थे 9 जुलाई को, मेरा बर्थडे 10 जुलाई को होता है, तो दीदी का भी बर्थडे 10 जुलाई हमारा उस बात पे इतना झगड़ा हुआ। मेरा प्रियंका दीदी का बर्थडे 10 जुलाई को आता है और वो सोनीपत में थी उस टाइम पे। हाँ। तो मेरे को अपनी बहन के पास जाना था, मेरे को पता लगा 10 जुलाई को इनका भी बर्थडे, अब ये भी बुला रही, तो मैंने इनको बोला मैं 10 की जगह 9 को आ जाऊंगा। नहीं 10 को आना, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। उस चक्कर में 2-3 दिन हमारा झगड़ा हुआ और एट द एंड क्या हुआ, मैंने इससे बोला बहन है वो कभी कभी आती है जाने, तब जाके मैंने 9 को मनाया। मैंने कहा हम दोनों जिंदगी भर रहने वाले हैं, हम दोनों साथ में मना लेंगे। नहीं अभी इसलिए हर लड़कों को वही सोचती थी ना जो छोड़ के चला जाएगा कि बर्थडे मनवा लो, खर्चा करवा लो। चला गया तो चला गया तो। तो हम उसके बाद मिले थे 9 जुलाई को। हाँ 9 जुलाई को फिर हमने बर्थडे सेलिब्रेट, बाबा मॉल में गए थे ना, वहाँ पे केक काटा था। फिर हमने उसके बाद कब मिले थे, उसके बाद तो हम घर पे आए थे 6 अगस्त को आ गया था मैं। 6 अगस्त को घर पे आए थे, घर पे आए थे आप फोन देखने। हाँ। इन्हें मैंने पहली बार, मैंने खुद सेकंड हैंड फोन चलाया लेकिन मैंने इनको ओप्पो का 9,999 रुपए का फोन था, वो 10,000 का उस टाइम पे, 6-7 साल पुरानी बात है। ईएमआई पे लेके सुल्तान भाई का कार्ड यूज करके मैंने इन्हें फोन दिलाया, आज तक ईएमआई भर रहा हूँ उस फोन। देखो 2-3 महीने के अंदर ये घर पे भी आ गए थे और इन्होंने कभी मेरे मम्मी पापा को आंटी अंकल नहीं बोला, हमेशा स्टार्टिंग से ही मम्मी पापा, पापा कह रहे भाई, कह रहे पापा नमस्ते वो कह रहे हैं। पापा भी उस टाइम कुछ नहीं बोल पाए कि नहीं अंक पापा क्यों बोल रहे हो, अंकल बोलो ये वो। ऐसा होता ना कि हम किसी से अगर कनेक्शन हो रहा है तो फिर उसको मना भी नहीं कर सकते। तो पापा ने मेरे को पहली बार देखा, कह रहा है स्मार्ट लौंडा और हमारी बिटिया को फोन दे रहा है, यार कमाल हो गया। पापा भी खुश है, कह रहे शादी पक्की। सर ये फोन की वजह से नहीं, पापा ने इनसे पूछा भी कहाँ रहते हो क्या करते हो, तो इन्होंने पता क्या कहा कि मैं सोनीपत में रहता हूँ, सोनीपत मेरे खुद का घर है, ये बोला था आपने, मेरा खुद का घर है सोनीपत में। तो मैंने कहा किराए पे रहता था, आज तक किराए पे रह रहा हूँ। और इन्होंने बोला कि सोनीपत में भी खुद का घर है और या मैं भी नेहरू इंटर कॉलेज के सामने मेरा घर है। हाँ, वो तो है। तो गाइस बाहर टेम्परेचर हो गया था गर्म, फोन हो गया था बंद, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही हो गया था हमारी बातों से। तो अप्रैल को ये मिलने आए थे पापा, इन्होंने झूठ बोला था कि मतलब मेरा सोनीपत में भी घर है और यहाँ का ओरिया का बताया, तो पापा ओरिया में जानते थे सब कुछ, तो मैंने कहा अच्छा ओरिया में है। और फिर कह रहे कि मैं जॉब ऐसी कौन सी करते, 60,000 रुपए सैलरी बताई थी जॉब, 40,000 बताई थी कैशियर। हाँ कैशियर 40,000 रुपए सैलरी बताई थी और 9,000 थी। 9,000 सैलरी होने के बाद 10,000 का फोन दे रहा हूँ। तो पेरेंट्स तो हर पेरेंट्स से देते कि हाँ लड़के के पास भी सब कुछ घर है जॉब कर रहा है और लड़की मेरी खुश रहेगी, तो उसमें क्या गलत बात है। मुझे ये सारी बातें इन्होंने बता दी थी, मुझे पता था, जब मुझे सारी बात बताया तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी पापा से, क्या मुझे, मैंने इसे बोल दिया था, मैंने कहा टेंशन ना लो धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये कहती थी पापा शादी नहीं करेंगे जब तक अपना घर नहीं होगा, मैंने कहा तुम्हारा घर कब बना, हमारी शादी से मुश्किल से 1 साल पहले बनाया था। हाँ। हमारी शादी से 1 साल पहले इनका खुद का घर बना, मेरी इंगेजमेंट के 2 महीने बाद इनका खुद का घर प्रवेश हुआ और ये भी किराए पे रहते थे। मैंने कहा तुम्हारा घर कहाँ है, करी पापा के पास गांव में है, मैंने कहा गांव में तो हमारा भी है, हमारा भी होता था, ऐसा नहीं होता लड़की को होता है, अगर मैं मेरी भी बेटी होगी तो मैं भी कहीं करूंगा तो उसका अपना घर देखूंगा कि किराए पे ना जाए हर चीज। हाँ। तो लेकिन यार विश्वास रखो, मैंने बोल दिया, मैंने कहा शादी से पहले मैं ले लूंगा, ले नहीं पाया।
पापा ने ये मेरे से बोला था जब शादी बात चल रही थी, पापा कह रहे उसके पास है ही क्या, कुछ नहीं है उसके पास, क्या घर पे आओगे तो पैदल आओगे। ये कह रहे थे कि सब तुम्हारी जितनी बहनें हैं सारी गाड़ियां से आएंगी और तुम आओगे तो पैदल आया करोगी। मैंने इसीलिए सबसे पहले गाड़ी ली, मैंने कहा देख लेंगे, मैं कोई बात नहीं। फिर मैंने पापा से ये बोला कि पापा आपकी जब मम्मी शादी नहीं हुई थी तब आपके पास भी क्या था, जब मम्मी की शादी होने के बाद तब आपके अब आपके पास घर भी, दो दो घर है, प्लॉट, हर चीज है ना, तो हम भी कर लेंगे, हमारी लाइफ अभी बहुत बड़ी है, हम धीरे धीरे कर लेंगे। तो जब से स्वाति आई मैंने गाड़ी भी ले ली, अभी खराब पड़ी है, प्लॉट भी ले लिया, प्लॉट भी ले लिया। सो अब पापा इनकी तारीफ करते हैं कि स्वाति ने मेरे से वो बात बोली थी, वो मैं झूठ साबित हो गया, अंकुश ने ये सब करके दिखाया है। अभी तो घर और बनवाना, तब और प्राउड फील कर रहा हूं। हमारी लाइफ है बहुत बड़ी है, अब धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ, है ना, बेबी भी हो गया है। So, अभी तो हम बहुत बार मिल चुके, तो कितने 5-6 साल से मिल ही रहे हैं, तो उसके बाद और क्या, उसके बाद फिर हर महीने मिलते रहे। हर महीने इन्होंने अपने घर वालों को मना लिया था ये बोल के कि हम भी कर लेंगे। जैसे मैं टिकटॉक पे वायरल हुआ, थोड़ी किस्मत बदली, यूट्यूब पे व्लॉग बनाने लगा, थोड़ी अच्छी इनकम आने लगी। 9,000 से सैलरी मेरी उस टाइम तक 12,000 हो गई थी, 12,000 की नौकरी छोड़ी मैंने, यूट्यूब से मैं 1.5-2 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। फिर मम्मी पापा राजी। फिर हमारे 2019-2020 में है ना, 21 में भूल गई, 2021 में, हाँ 2020 सितंबर, सॉरी 21 अक्टूबर 2020 को हमारी एंगेजमेंट हुई थी, और 2021 को हमारी शादी हुई थी। बस एंगेजमेंट की 1 साल अंदर शादी कर लेनी चाहिए, अगर नहीं करते तो 3 साल बाद होती। 6 सालों हमारे साथ बहुत ही अप एंड डाउन हुए, तो हमने साथ में हर चीज मतलब सॉल्व करी, शादी से पहले भी और आपको भी झगड़ा हमारा बहुत हुआ, डेली होता है, कल भी हुआ था डेली झगड़ा होता है, लेकिन 10-15 मिनट में सुलझा लेते हैं। और शादी से पहले भी हमारा बहुत झगड़ा हुआ, बहुत, अरे ऐसा झगड़ा मैं बता नहीं सकता, बताओ ना। फोन रोडों पे फेंक फेंक के मारे हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई थी मेरे को मारने के लिए। इतना भी नहीं था यार, अगर मैं तुम पे हाथ उठा देता हूँ, लेकिन मैं समझदार था। पर पता है कि हमारा एक बार झगड़ा हुआ था बहुत तगड़ा वाला, अगर उस दिन मैं चली जाती ना तो शायद हम लोग ऐसा क्या चली जाता नहीं, मैं लेने आ जाता नहीं, अगर मैं चली जाती उसे तो शायद ऐसा झगड़ा होता। मैंने इसे बस में बैठा देता, मैंने कहा निकल, और ये बस में बैठ गई, मैं बैठी, मैंने भैया तुम जाओ हम चले जाएंगे, मैं अपना आ गया, फिर भागी भागी आई बाबू। बस उसके बाद रोड पे 1.5 घंटा तमाशा होने के बाद जैसी मैंने इन्हें बस पे बैठाया, मैं भाग आया अपने घर, पीछे पीछे आई बाबू बाबू। नहीं आप भी नहीं गए थे तब तक, तो बस नहीं गई थी, और मैंने मम्मी को फोन कर दिया, मम्मी स्वाति आ रही घर पे, मैंने बैठा लिया, मैंने कहा मम्मी को फोन किया। तो उसके बाद हमारा 10 मिनट में ही जैसी ये उतर के आई, तो फिर मैंने कहा यार ये भी प्यार करती, देखो गई भी इतना झगड़ा होने के बाद भी, मैंने कहा यार इतना प्यार करने वाली लड़की है, इसलिए फिर आ गई, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक। उसके बाद हमारी शादी हो गई, और शादी से अभी तक आपको सबको पता है। तो कैसा लगा व्लॉग, इस व्लॉग कहीं पे तो मैं ये कह रही हूँ, जो भी रिलेशनशिप में हो, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक टाइम पे सॉल्व भी हो जाते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये भी सोच के रखो कि जब प्यार के लिए वो हाँ बोल देगी, उसके बाद तुम्हारे झगड़े भी होंगे, तो वो झगड़े भी सुलटाने पड़ेंगे। रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं यार, शादी के बाद नहीं होते, शादी से पहले भी होते, भाई बहन में नहीं होते, हर चीज में होते, तो शायद भाई बहन में तो होते हैं, आपने देखा। तो शायद ऐसे तोड़ नहीं सकते हम, है ना, तो बस हमारा झगड़ा डेली होता है। बस आपको ये होता है कि अगर मम्मी पापा से झगड़ा है तो आप मम्मी पापा चेंज नहीं कर सकते, भाई बहन से झगड़ा है तो आप भाई बहन चेंज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर ऑप्शन एक मिल जाता है कि अगर भाई से झगड़ा है तो डिवोर्स ले लो, ये बहुत गलत चीज है। ये जो ऑप्शन मिला है ना, ये सोचो ये भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर ये छोड़ के चली गई गलत है, वैसे छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए, आपका ये ऑप्शन भी नहीं मिलना चाहिए, ये सोच लो कि यही है जो है। और हाँ, अगर आपके बीच झगड़ा हो रहा है ना, तो आपने बीच में किसी तीसरे बंदे को लेके बताओ, हाँ जिस दिन आप तीसरे बंदे को लेके आ गए वहां आपका कारनामा खत्म, क्योंकि तीसरा बंदा अपनी बात बताता है, तो फिर कभी मम्मी पापा को अपनी बात बताओ मत। हमारा झगड़ा होता ना, हम कभी भी आवाजें आती है बस मम्मी पापा कमरे तक, लेकिन बताते नहीं, सुबह देखते हैं पापा, पापा ही कहते हैं कि कल झगड़ा हो रहा था, आज क्या होएगा, इतना प्यार हमने नहीं किया था आज तक, इनका झगड़ा समझ में नहीं आता कब झगड़ा है कब। हमारे बहुत झगड़े हुए, मम्मी पापा कमरे में सुनते थे, अभी तो शादी भी नहीं हुई झगड़े हो रहे, क्या बात, देखो क्या मम्मी कहती थी, नहीं नहीं उन दोनों का झगड़ा है, सुलटने दो। और सुबह जब सो के उठते थे तो ऐसा होता था, अरे झुका हुआ, तो झगड़े सुलझाओ, अपने आपस में सुलझा लो, किसी तीसरे बंदे को, मम्मी पापा को, लड़की अपने पेरेंट्स को ना बताए और लड़की अपने पेरेंट्स को बताए। अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर उसने आई लव यू बोल रहे हो, तो ये सोचो ये मेरी जिंदगी की लास्ट लड़की है। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कैसी लगी आपको मेरी लव स्टोरी,
कमेंट करके बताना। और अभी बहुत बार हम मिल चुके हैं 6 सालों में, तो क्या बताएं, मिलना मिलना था, बार बार मिले, 3-4 फोन दिए मैंने और बाकी सारे खर्चा मैंने किया। मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने? अपने घर से पता है, मैंने इतने सारे इनको गिफ्ट दिए, एक गिफ्ट बंदे के पास नहीं है, सारे इनकी फ्रेंड्स ले जाते हैं। ये रही मेरी गिफ्ट। और बताओ क्या चाहिए। चलो करो ब्लॉग को एंड। लव यू लव यू।